एक जरूरी सूचना, हमारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही होते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट समझकर ही देखें। किसी भी जाति, धर्म या व्यक्ति का दिल दुखाना हमारा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर फिर भी किसी का दिल दुखता है तो यह आपकी अपनी प्रॉब्लम है, फौरन इलाज कराएं। हेलो, एक्सक्यूज मी, अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद ये बाजू का घंटा दबाइए। जैसा न्यू वीडियो आते ही खन बोल के बचता है इन्हें। अस्सलाम वालेकुम, वीडियो शुरू करने से पहले गुड न्यूज़ है उन लोगों के वास्ते जो 10th इंटर ग्रेजुएशन करे हुए लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रहा। अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाउड्स एविएशन एकेडमी आप लोगों को 100% एयरपोर्ट पे जॉब प्लेसमेंट की गारंटी देती। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, क्लाउड्स एविएशन एकेडमी ज्वाइन करना है, 3 महीने का कोर्स करना है, डिप्लोमा लेके सीधा एयरपोर्ट पे जॉब पे लग जाना है। अब तक इनके पास से कितने की लोगों को एयरपोर्ट पे जॉब प्लेसमेंट मिले सो है। और एक खसूसी बात, जो लोग हैदराबाद के बाहर से आना चाह रहे उन लोगों के वास्ते हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। नया बैच नवंबर की 2nd वीक से स्टार्ट होने वाला है, लिमिटेड सीटा है, जल्दी ज्वाइन कर लो। और मजीद तफसीलात यानी कि ज़्यादा डिटेल के वास्ते डिस्क्रिप्शन में जाइए। आइए वीडियो शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। भाई पूरा माल जमा दिया हूँ, पूरे थैले खोल के रख दिया हूँ, पूरा थैले में डाल के पार्सल कर दिया हूँ। खाली ग्राहक आते कि देते रहेंगे खाली। पैसे कौन तुम्हारे बाबा लेते हैं? तुम लेते ना भाई। अरे एक मैं तेरे को जो बात करी कि अपना बच्चा बोलता हूँ ना, वो गलत मतलब से नहीं बोलता हूँ, एक मोहब्बत से बोलता हूँ। खाली जुमलेबाजी है वो। वो तो मालूम भाई। हाँ वही, कल के दिन दुकान में जो हिस्सा मांगेंगे बच्चा बोले तो। अरे भाई तुम आंका मैल हम्माम को नहीं देते, मेरे को हिस्सा देते। oh, no. क्या बोला? गिरा का भाई, गिरा भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, बताइए क्या दियो भाई? 1 किलो चावल। 1 किलो चावल, 1.5 किलो मीठा तेल। 1 किलो मीठा तेल, 1.5 किलो मसूर की दाल। 1 किलो मसूर की दाल और 6 किमली दे दी। 6 किमली? 6 किमली। खट्टी दाल बन रही शायद आज घर में। अरे आपको कैसा मालूम? अरे भाई जान हैदराबाद के बच्चे बच्चे को मालूम है, 70% घरों में जुम्मे के दिन खट्टी दाल चावल बनता। बिल्कुल। सामान निकाल भाई का जल्दी। अभी देर उसका थैली भर के। और वो बस्ती में नहीं है क्या अपन? हाँ पहले वहाँ पीछे रहता था मैं। अच्छा। अब यहाँ पर उतरा। अच्छा। ये लीजिए भाई जान आपका, देखिए चावल दाल तेल इमली। कितने हुए साहब? 102 रुपये हुए। अच्छी बात भाई, ये 100 रुपये भाई मेरे पास, 2 रुपये बाद में देता हूँ, आप फिर आए खुद ले लीजिए। आप ये क्या कर रहे हो भाई? 2 रुपये लेके इमली लेके जाइए। अरे 2 रुपये के लिए ऐसा कर रहे क्या भाई? मैं जिसके पास ये सौदा लाता हूँ ना, उन्हें 1 रुपये को ऐसा करता। चलिए अस्सलाम वालेकुम। 2 रुपये को ऐसा कर रहे, 1 रुपये को ऐसा कर रहे, गिरा कितने का रहता हूँ। ये सर्कस में काम कर रहा, किराना दुकान में काम कर रहा? जमा रहा भाई। जमा सीधा भाई, पिस्ता है निये। हाँ है ना भाई, बेचने का नहीं होता हो भाई को भाई, खराब हो गया। अरे मेरे को दे दो ना भाई, मैं खा लेता हूँ। नहीं, मैं 6 महीने पहले मन्नत मांगा था, कभी दुकान में पिस्ता खराब होगा तो कुत्तों को खिलाऊंगा बोल के। आप खाते बोलते दे दो, ला रहे पिस्ता, ला रहे पिस्ता दे दो। क्या आदमी है यार तुम, पिस्ता लेकर। अरे भाई पिस्ता है ना जी, उसको ऐसा बोल दिया खराब हो गया बोल के, उन्हें खरीद लेता था ना। उन्हें पिस्ता खरीदता, उसकी हालत देखा, उसकी हालत खुद पिस्ते के छिलके के सर की है, उन्हें पिस्ता खरीदता। पिछले 15 दिन से आ रहा, खाली रेटा पूछ के जा रहा हूँ। तो बराबर शॉर्टी है इसमें। अच्छा भाई असली घी कैसा किलो है जी? तू असली घी खा के भी फायदा नहीं है। देखो भाई तेरे को घी हजम नहीं होता। अरे मियाँ ये अंडे 15 रुपये में एक से कम में नहीं बेचना। कहीं कुत्ता महंगा भाई, देसी मुर्गी का अंडा ये। भाई बोलिए भाई क्या दियो भाई? वो है वो यहाँ नहीं मिलता, वो वहीं मिलता। अरे वो नहीं जी, वो क्या? वो
वो? अरे क्या ये वो ये बोल रहा है, सीधा बोल क्या होना। अरे वो जी जिसको पकाते। पकाने के 1.5 लाख चीजा है, नाम बोल। वो जी जिसको रोज खाते देखो। खाना? नहीं। सालन? नहीं। अंडे? नहीं जी। दाल? नहीं भाई। भाजी? नहीं भाई। टमाटे? नहीं भाई। दिमाग? दिमाग कौन खाते रे होले? इसके से लोग दिमाग ही खाते भाई। दिमाग खाने आ रहे हमारा? अरे नहीं जी भाई, वो हो ना। क्या बोल रहे? वो जी जिसको गोल गोल बनाते देखो। पापड़? पापड़? अरे नहीं भाई, वो अरे वो भाई जिसे पराठा बनाते देखो। तो ऐसा बोलना रे, पराठे में से पराठा दे, क्या बचता? आटा। उसको आटा बोलते, कितना होना? आधा किलो दे। आधा किलो आटा दे। आटा जब से मुंह पे है वैसा जबान पे, लेकिन याद नहीं आ रहा देखो। मुंह पे था तो इतनी देर हुई, और कहीं और रहता था तो कितनी देर होती थी। भाई आटा रेडी है। पहले आटा 20 रुपए। भाई वो भी होना था। वो या नहीं मिलता? हाँ? वो वहां मिलता। वहां कहां पे? सामने वो दिख रहा। हाँ? उसके बाद जो वो है। हाँ? उसके पीछे वो दिख रहा। हाँ? फिर सामने वो है। हाँ? सामने उसकी दुकान दिख रही। हाँ? बस वहीं मिलता वो। भाई शुक्रिया भाई वो के लिए। कोई बात नहीं उसके लिए। क्या दीवाने लोग आते भाई वहां से? वो दे क्या वो भाई गल्ला ला रहे चक्कर मारक। भजन क्या हुआ रे? मैं तेरे को बीती बार बोला कुछ भी मंगना रहा तो शटर बंद करे बाद मंगना। शटर खुला रहे जब कुछ भी नहीं मंगना बोल के बोला ना। काम से आया भजन मैं। कहीं का काम? आपा भिजा मेरे को वो क्या बनावा पूछ रहे खाने में। एक काम करो, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, मुगलाई चिकन और कुर्बानी का मिठा। तंदूरी मटन और तंदूरी फ्राई भूल गए आप? हाँ वो भी ला लो। मेरा घर है वो ने फैमिली ढाबा है, फरमाइशा कर रहा सो। जाके भाई को बोल, आपा को बोल अरवी का शेरवा चावल और पापड़ चलो बन क्या। भजन चावल दो बोल रहे, भजन मिर्ची दो बोल रहे, भजन तेल दो बोल रहे, भजन जीरा दो बोल रहे, भजन हरा मसाला दो बोल रहे, भजन गरम मसाला दो बोल रहे, भजन कोथमीर दो बोल रहे, भजन पुदीना दो बोल रहे, भजन मीठा तेल दो बोल रहे, भजन मिर्ची की पैकेट दो बोल रहे, भजन हल्दी दो बोल रहे, भजन पापड़ दे बोल रहे, भजन अदरक लहसुन दे बोल रहे, भजन और राय और चकला दे बोल रहे। भजन वो 1.5 किलो बादाम मंगा रहे अपन। रे बादाम दे दे उसको। भाई ये अरबी के शेर में बादाम कब से डाल रहे हैं भाई? रे कौन मंगाए बादाम? सही बोल। आपा मंगाए भजन? सही बोल, सही सही बोल। आपा मंगाए भजन? सही बोल रहा हूँ। आपा मंगाए भजन? दे दे बादाम उसको। हाय उन्हें तुम्हारा खुल्ला फिरा दिया, टोपी फिरा दिया, खुल्ला झूठ बोल दिया तुम्हारे को। मालूम है रे मेरे को ने झूठ बोल रहा था फिर, लेकिन उसके झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस बहुत पछाना है मेरे को। एक काम करेंगे, ये साल इलेक्शन में ठहराएंगे उसको अपन। हाँ भाई। अरे तुम बोलो जी खाली, क्या होना खाली जबान ही लो, पैसा बहुत है आज अपने पास। इधर ला पैसे, ला मेरे निकाल पैसे बहुत है। क्या भाई छोड़ो। हाँ छाती दिखा रहा मेरे को, बॉडी बिल्डर है तो अपने आपको पलान समझ ले रहा। 40 इंच की छाती रही तो कुछ भी नहीं होता, 2 इंच का जिगर रहना। पैसे दे मेरे। अरे कई के पैसे जी? हाँ कई के पैसे, जब पैसे लेना रहता तो नूर भाई नूर भाई नूर भाई करते, और जब वापिस देना रहता तो नूर भाई को देख के दूर भाई दूर भाई दूर भाई करते रहे। पैसे अरे, निकाल। नूर भाई शाम में ले लो जी, शाम में दे तुम। पक्का दे रहा शाम में? शाम में ले लो भाई। अरे फोन फोन नहीं, शाम में ले ले। अरे फोन ये बर्फियां चाट चाट के रख रहा क्या तू? कैसे बातें कर रहे भाई, चुमटिया लग रहे उसको। मीठी चीजें ना भाई, तू भी मिठाई दिखता मेरे को। काम कर लेता हूँ चल। वालेकुम नूर भाई। वालेकुम सलाम नूर भाई। 2 दिन से घर वाले खाना नहीं खाए भाई, घर वाले भूखे हैं भाई 2 दिन से। 1 किलो चावल दिए तो मेहरबानी होती, आपके पैसे कल लाके देता हूँ भाई। 1 किलो चावल दियो ना भाई उधार, कल लाके देता हूँ भाई, कैसा भी मेहरबानी होती। माफ़ी चाहता हूँ भाई, उधार नहीं दे सकता हूँ। देखिए पैसे तो लेके आइए, जाइए आप। जिसको देखो उधार मांगने आ जा रहा मेरी दुकान पे। अरे भाई इसको दे देना था जी तुम। क्या दे देना था रे?
वाकई गरीब है, वाकई लोग मजबूर लोग हैं भाई। मैं को मालूम है ना घरों का मसला। सही बोल रहा? हाँ भाई, खाने को खाना नहीं है जी लोगों ने। अरे मियाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे हाथ से। इसके वास्ते देख, एक जना बुरा करता पूरी कम्युनिटी को बुरा समझते अपन भी। हाँ भाई, अब एक जना उधार लेके फिरा दिया, पर हर मंगने वाले को उधार फिराता समझ रहे। एक काम कर, जल्दी 1-2 किलो आटा और 2 किलो चावल थोड़ा तेल लेके जाके उसके घर पे पहुंचा दे। जा, अब भी दे गया जा। और आप लोगों से भी एक छोटी अदबन गुजारिश है, अगर किसी से उधार लेते तो वक्त पे वापस करिए, ताकि आपके तरफ से दूसरों का नाम बदनाम नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम।